अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, ताकत दे रोज़े रखने की और ढेर सारियाँ खुशियाँ दे। ये हम चने चाट बनाने लगे हैं और चने बॉयल करके रखे हुए थे, बाकी सब चीज़ें भी काट के दे रेडी करके रखी हुई है, इसलिए कि मुश्किल ना हो, आसानी से मिक्स कर लें। प्याज है, टमाटर है, लेमन है, सब्ज़ मिर्च, धनिया वगैरह सब कुछ। प्याज बॉयल किए हुए थे और चने भी बॉयल किए थे, साथ इमली, मैंने इमली की चटनी बनाई हुई थी वो भी डाली है। चने डाले हैं, सब्ज़ मिर्च डाली है, धनिया डाला है, प्याज डाले हैं, लेमन का जूस डाला है, नमक मिर्च सारे मसाले डाले हैं, काली मिर्च, जीरा, नमक, सुरख मिर्च, ये इमली की चटनी बनाई हुई थी वो डाली है, इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है। चने चाट हमारे रेडी हो गए हैं। चिकन को हमने मैरिनेट करके तो लगाया है मैदा, आलू वगैरह डाले हैं और प्याज डाले हैं, सारे मसाले डाले हैं। ये पकौड़ियों का बैटर बना रहे हैं। रोजों में यही तो चलती है, समोसे पकौड़े इस तरह की चीजें चटपटी बच्चे खाते हैं। नहीं मेरे पास, मेरे पास जा रही है।
साथ में अब रैप बनाने लगे हैं। रैप की रोटी तैयार हो गई है और चिकन उसको फ्राई कर रहे हैं, मैरिनेट करके उसको मैदा लगाया है, अब उसको फ्राई कर रहे हैं। पकौड़े बनाते हैं उस्ताड़ी में। अब हमने नीचे पहले रोटी के ऊपर सॉस लगाई है, तो लेटस डाला है, मुर्गी डाली है और खीरा, टमाटर वगैरह। ये भी हमारे बन के तैयार हो गए हैं। साथ हमने जमे शीरी पानी बनाया है और प्यूरे वगैरह। तो अवतारी हमारी बन के तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।